हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफ टॉप पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज कल से ही बारिश हो रही है यहाँ दिल्ली में, तो आज सुबह जब उठा तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मेरे सामने था। तो मेरे ये गुड़हल का जो प्लांट है, इस पर लगभग 4-5 फूल खिले हुए थे, जो कि कलर बहुत प्यारा है, आप जो देख सकते हो। जब मैं इसको परचेज़ किया था तो बिल्कुल ही इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे, बहुत कम थे, और जो भी कलियां थी वो झड़ चुकी थी। तो जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तो अब धीरे धीरे इससे फ्लावर आने शुरू हुए, या कहूँ जब से बारिश शुरू हुई है तब से फ्लावर आने शुरू हुए हैं। जैसा कि माली ने कहा था कि इसके हर जगह बर्ड्स ही बर्ड्स नज़र आएंगे आपको, तो उसने जो कहा था मुझे लग रहा है कि सही कहा था। मुझे हर जगह इसके बर्ड्स ही नज़र आ रहे हैं। तो ये उसने कहा था कि सिंदूरी कलर में होगा, लेकिन बट मुझे सिंदूरी तो नहीं लग रहा, ये पिंक कलर है ऑलमोस्ट। तो लेकिन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बारिश अभी रुक गई है इस टाइम दोस्तों, बारिश हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ फटाफट इसकी क्विक सी। तो एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई GST नहीं लगता। और तो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है आप लोगों के सामने मेरा, तो उसकी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके बारे में। नीचे से दोस्तों डुअल ट्रंक का है, डुअल ट्रंक नहीं करते हैं इसे, नीचे से एक जस्ट ब्रांच है, नीचे से आप लोग देख रहे हो इसकी ब्रांच है। इस वाले ब्रांच में भी टोटल कलियाँ कलियाँ भरी पड़ी हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसको यहाँ से इसके टैप को काट दिया था ऊपर से, क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो उसकी जगह से ये नई ब्रांच निकल के आ रही है। देखो लगभग 3 नई ब्रांचेज निकली हैं जिसमें से फ्लावर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लांट है मेरा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे इस टाइम। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे कि इतना अच्छा इसमें फ्लावर आएगा। जब मैंने लिया था इसको तो 80 रुपीज़ में लिया था, जो कि मुझे लग रहा है कि महंगा नहीं है 80 रुपीज़ में, बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे प्लांट। उस टाइम तो इसकी ग्रोथ ऐसी नहीं थी, उसमें पत्तियाँ बहुत कम थी, और जो भी पत्तियाँ थी बहुत ही मुड़ी हुई ख़राब सी पत्तियाँ थी। जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है दोस्तों, इस पर बहुत अच्छी अच्छी लीव्स आ गई हैं। फ्लावर का साइज़ छोटा है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, एक एक साथ 3-3, 4-4 फ्लावर आ रहे हैं। गुड़ाल में जो छोटे पॉट में गुड़ाल लगा होता है, नया प्लांट है, उसमें मैंने देखा है एक कभी कभी एक फ्लावर, दो फ्लावर, उससे ज़्यादा फ्लावर नहीं आते इसमें, बट इसमें अच्छे खासे फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सही फ्लावर आ रहे हैं। तो उसके पास एक और था तो मुझे शायद वो भी ले लेना चाहिए था, वो येलो कलर में था, लेकिन मैंने एक ही परचेज़ किया। खैर मुझे, मेरे पास ये पहला हाइबिस्कस का प्लांट है, जो यही पहला था, इससे पहले मैंने हाइबिस्कस को परचेज़ नहीं किया था दोस्तों, तो अब मुझे ये बहुत पसंद है, पहले इतना ज़्यादा पसंद नहीं था दोस्तों ये मुझे। तो इसकी सॉइल में मैंने थोड़ा सा कुछ दिन पहले काउडंक ऐड किया था ऊपर से, आप लोग ये देख रहे हो एक काउडंग ऊपर से ही मैंने जस्ट स्प्रिंकल कर दिया था एंड वाटरिंग कर दिया था। इसकी सॉइल में मैंने दोस्तों सैंड भी मिक्स किया, सैंड और वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा कोकोपीट है जस्ट बिकॉज आपकी गर्मी ज़्यादा थी यहाँ पे, तो पानी को होल्ड करके रखता था। तो अभी जल्दी ही रिपोर्ट किया है, बहुत जल्दी नहीं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसको जब इसको रिपोर्ट किया था तब मैंने इसका वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, तो वीडियो देख लीजिए, बहुत टाइम नहीं हुआ रिपोर्ट किए हुए, ऑलमोस्ट 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने। हाँ, रिपोर्ट करने के बाद ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है मुझे दोस्तों। ये वाला फ्लावर खिल चुका है दोस्तों, अब ये झड़ जाएगा कुछ दिन बाद, उसकी जगह पे ये नया आ रहा है, ये देख लो आप। और कल भी लगभग 2-3 फ्लावर कल भी निकलेंगे होपफुली। बारिश के बाद प्लांट बिल्कुल धुले धुले से एकदम क्लीन दिखते हैं दोस्तों, तो
रात में भी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, जस्ट अभी 1 घंटे पहले बारिश यहाँ पे रुकी है। तो मैंने सोचा कि फटाफट आज मैं इसको बार बार घूम घूम के आके इसको देख रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे ये। आई होप कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये। ये छोटा सा कीड़ा है, इसको उड़ा देता हूँ। ये गया। इसके जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं, इसके फ्लावर भी बहुत पसंद आ रही है मुझे दोस्तों। तो हाइबिस्कस मैंने वैसे गार्डनिंग मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं तो मुझे शुरू किए हुए। हाइबिस्कस का प्लांट मैंने अभी जस्ट परचेज़ किया है लगभग 2 महीने पहले। मेरे पास 3 हाइबिस्कस के प्लांट हैं। एक तो ये आप मेरे सामने देख रहे हो, दूसरा ये वाइट कलर का हाइबिस्कस है जो बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ है, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो इसमें वाइट कलर एंड ये वेरीगेटेड लिप्स वाला हाइबिस्कस है जिसमें अभी तक कोई फ्लावर नहीं आया। उसने कहा कि पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं लेकिन अभी तक कोई फ्लावर्स नहीं आया। ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों इसकी, लेकिन अभी कोई फ्लावर नहीं आ रहा। लेकिन फ्लावर देने के मामले में यही सबसे अच्छा है अभी तक। इस पर बर्ड्स ही बर्ड्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट इस पर 50 बर्ड्स होंगे इतने छोटे से प्लांट में। तो इनफ है, 50 बर्ड्स बहुत होते हैं। इसको मैंने लगभग 8 10 इंच के पॉट में लगा रखा है जो कि इसके लिए इनफ है फ़िलहाल। मुझे बहुत ज़्यादा हाइट वाले या बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट पसंद नहीं है दोस्तों वैसे भी, तो मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग करता रहता हूँ। मुझे ज़्यादा हाइट हो जाती है प्लांट की पसंद नहीं है, मुझे अपने गार्डन में छोटे प्लांट पसंद है। छोटे प्लांट हों उस पर फ्रूट और ये क्या कहते हैं फ्लावर्स अच्छे आए, बस यही मेरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों ये था मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल हाइबिस्कस का प्लांट। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा और मूड अच्छा हो दोस्तों तो इसको शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए।